ओम शांति। आज की बाबा की साकार मुरली है 6 जनवरी 2022 की। आज बाबा ने स्वयं से प्रतिज्ञा करने के लिए कहा कि स्वयं से प्रतिज्ञा करो कि और सब संग तोड़ एक बाबा संग बुद्धि योग जोड़ेंगे, नींद को जीतने वाला बनना है। और कहा कि देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, कैसे भी करके मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है, मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। और आज बाबा ने विशेष सिख धर्म में जो परमात्मा की महिमा गाई हुई है उस महिमा को बाबा ने आज दोहराया कि ओंकार निराकार निर्भो निर्वैर कर्ता पुरख आद सत जुगात सत आदि, यह जो महिमा गाई हुई है इनका भावार्थ समझकर दूसरों को समझाना है। हाईएस्ट ऑथोरिटी शिव बाबा को यथार्थ पहचान कर उनका रिगार्ड रखना है, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विक्रम बनते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ो। आज मुरली में प्रश्न है, कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, ड्रामा में यह जो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू आदि सब खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है, यह सब नेचुरल खेल हैं, इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कहते हैं। परंतु बाबा कहते हैं, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ, यह सब ड्रामा में नोंद हैं। आज मुरली में गीत बजा, कौन आया मेरे मन के द्वारे ज्ञान की झनकार लिए। ओम शांति। कौन आया अर्थात किसकी याद आई, ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया फिर तो सर्वव्यापी हो जाए, नहीं, कौन आया मेरी याद में। अकाल मूरत शिव बाबा जिसको काल खा न सके, सिख लोगों के पास अकाल तख्त भी हैं, उनके पास अकाली लोग भी हैं, वो लोग खुद नहीं समझते कि सिख धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है, दूसरा है संन्यास धर्म निवृत्ति मार्ग का, घर बार छोड़ हद का संन्यास कर पवित्र बनते हैं, जंगल में तो जरूर पवित्र ही रहते होंगे। हर एक धर्म की रस्म रिवाज अलग हैं, शिक्षा भी अलग हैं, वह है निवृत्ति मार्ग का धर्म, उनको फॉलो करने वाले को भी घर बार छोड़ कफनी पहनानी पड़े। फिर भल वो लोग कहते हैं, घर गृहस्थ में रहते भी ज्ञान पा सकते हो, परंतु वह कोई ज्ञान नहीं, न सन्यासी ऐसा करा सकते हैं। वास्तव में गुरु वह जो सदगति देने वाला हो, वह तो एक ही शिव बाबा हैं, गुरु नानक ने भी शिक्षा दी है, वह भी परम पिता की ही महिमा करते हैं। एक ओंकार अकाल मूरत, तुमको तो अब उस अकाल मूरत अर्थात परम पिता परमात्मा की ही याद है, महिमा करते हैं। अकाल मूरत अयोनी स्वयंभू अर्थात रचता है, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत सतगुरु प्रसाद जग साहेब आदि, यह सब है महिमा परम पिता परमात्मा की। अकाल मूरत को ही मानते हैं, शिव बाबा को ही अकाल मूरत मानते हैं, वही बताते हैं सतयुग आदि सत होसी भी सत। फिर यह भी कहते हैं, मूत पलीति कपड़े धोए, पतित पावन माना ही मूत पलीति कपड़ धोए साफ करते हैं, तब उनकी महिमा गाते हैं। फिर कहते हैं अशंख चोर हराम खोर, यह भी इस समय की ही महिमा है। फिर नानक कहे नीच विचार कर, फिर उनके ऊपर बलिहार जाते हैं, जरूर जब वह आए तब तो बलिहार जाते हैं। बाबा कहते हैं, अहिल्याओं गणिकाओं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ तो जरूर सब पतित ठहरे, अब यह है बेहद की बात तो जरूर बेहद का मालिक ही आकर समझाएंगे। बाबा कहे, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश,
दूसरे जो आते हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं, ऐसे नहीं कि वो गुरु लोग सदगति दाता हैं। सदगति किसकी करेंगे? उनकी वंशावली की भी पूरी वृद्धि नहीं हुई है तो सदगति कैसे करेंगे? बाप कहते हैं, मैं आकर आदि सनातन धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश कराता हूँ। इस समय सब तमोप्रधान पाप आत्मा बन गए हैं। मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पार्टधारी हैं, उन्हों को मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। यह भी समझते हैं, जरूर बाप आकर स्वर्ग सच खंड की स्थापना करेंगे और झूठ खंड का विनाश करेंगे। सच खंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा ठहरा, इसलिए गायन भी है सत्यम शिवम सुंदरम। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। सभी तो धारण कर नहीं सकते क्योंकि देह अभिमान बहुत है। जितना देही अभिमानी होंगे अपने को आत्मा अशरीरी समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो धारणा होंगी। देह अभिमानी को धारणा नहीं होंगी। योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं। बाबा कहते, दिन में तो देह अभिमान रहता है तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? बाप कहते हैं, नींद को जीतने वाला बनो। बाप कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, परंतु कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं। पढ़ाई तो मुख्य है, कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं विकार में गिरते रहो और मुरली मांगते रहो। जब तक गारंटी न करे मुरली नहीं भेजनी चाहिए। जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी गति क्या होगी? अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता है। नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए देह अभिमान है, वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को भी समझाना पड़े। बाबा तो बाहर जा न सके, बाबा बच्चों के आगे ही समझाते हैं। यह बड़ी मम्मा ब्रह्मा बाबा भी गुप्त हैं, शक्तियां बाहर जा सकती हैं। कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो कोई प्रतिनिधि है नहीं। यह भी पॉइंट समझानी है। और जो भी धर्म पिता आते हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, न कि अधर्मों का विनाश करने। सत धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश संगम पर ही होता है। जब उतरती कला हो जाती है तब बाप आते हैं। चढ़ती कला तो एक ही बार होती है। इस पर एक श्लोक भी है, छोटेपन में पढ़ा था। गुरु नानक ने कहा, सब निंदक हैं, झूठे हैं, कोई भी पवित्र नहीं रहते। सिख धर्म में अकाली होते हैं जिनके ऊपर काल चक्र भी दिखाते हैं। यह है स्वदर्शन चक्र, यह भी पवित्रता की निशानी है। कंगन भी बांधते हैं, दोनों पवित्रता की निशानी है। परंतु वो लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं, न पवित्र रहते हैं। जनेऊ भी पवित्रता की निशानी है। आजकल तो सब कुछ उड़ा दिया है। ब्राह्मण कुल है उत्तम, उसमें फिर बड़ी चोटी रखते हैं, परंतु पावन कोई बनते नहीं। पतित पावन एक ही परम पिता आकर सबको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं बुद्ध क्राइस्ट आदि भी कोई पतित पावन थे, नहीं। गुरु तो दुनिया में अनेक हैं, सिखलाने वाले, पढ़ाने वाले, बाकी सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक ही है। सबको पावन बनाकर साथ ले जाने के लिए मैं ही आता हूँ। ज्ञान सागर के साथ मददगार तुम ज्ञान गंगाए भी हो। गंगा नदी पर भी देवी का चित्र रख दिया है। अब वास्तव में ज्ञान गंगाए तुम हो, परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं होती क्योंकि तुम अब लायक बन रहे हो, पुजारी से पूज्य बन रहे हो। फिर तुम्हारा पुजारी पना खत्म हो जाएगा। यह राज समझाते हैं, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है। देह अभिमान छोड़ते रहो,
यह सब मित्र संबंधी आदि खत्म होने वाले हैं। हम सब चले जाएंगे, परंतु दुनिया तो रहेंगी ना। बाप कहते हैं, मैं नई सृष्टि का रचयिता हूँ, परंतु मैं आऊँगा तो पतित दुनिया में ना, तब तो मुझे पतित पावन कहते हैं, तो ज़रूर पतित दुनिया होंगी। पावन दुनिया में तो पतित होंगे नहीं, परमात्मा को ही हेवन स्थापन करना है, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट हेवन नहीं स्थापन करते। हाँ, उस समय जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह सतो प्रधान हैं, बाकी और कोई भी पतित से पावन नहीं बनाते। तुम बच्चों को अभी ऐसा कोई विक्रम नहीं करना चाहिए जो पतित कहा जाए। देह अभिमान से ही विक्रम बनते हैं। तुम गारंटी करते हो कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तो बाबा कहे अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे। ग्रंथ में भी है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अक्षर अच्छे हैं, परंतु जो कुछ पढ़े हैं उनको तो भूलना पड़ता है। बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं, क्योंकि शिव बाबा को याद करना है, इसलिए बाबा कह देते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद जरूर करते हैं। अंडरलाइन, परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद जरूर करते हैं कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है। साहूकार तो घोर अंधकार में पड़े हैं, कोई को पता नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। भगवान आज मैं राजयोग सिखलाता हूँ, तो जरूर नॉलेज से गॉडेज ऑफ वेल्थ बनते हैं। यह सारी राजधानी बन रही है नंबरवार। तुम जानते हो नंबरवार हम सब पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूँ, अनेक धर्मों का विनाश कराता हूँ। परम सतगुरु एक ही शिव बाबा हैं, वह ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही गाया हुआ है। ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते, तो राम कृष्ण को भगवान कैसे कहेंगे। वह तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन। भगत भगवान को याद करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़े ही याद करते हैं। वह तो सभी व्यभिचारी बन गए हैं, तो कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की हैं। जो करेगा सो पाएगा, ज्ञान गंगाए तुम हो। तुम नदियों का ही छोर अर्थात किनारा है। सागर तो कहाँ जा नहीं सकता, परंतु वह है जड़ सागर, यह है शिव बाबा चैतन्य सागर। उसमें तो एक तूफान की लहर उठती तो बहुत नुकसान हो जाता है। विनाश के समय जोर से तूफान आएगा, सब खंड टापू आदि खलास हो जाएंगे, देरी नहीं लगती। नेचुरल कैलेमिटीज को गॉडली एक्ट कह देते हैं, तब कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश तो गॉडली एक्ट हुई ना। परंतु बाप कहते हैं, मैं कोई ऐसा डायरेक्शन आदि नहीं देता हूँ, यह सब ड्रामा में नूंद है। तूफान, नेचुरल कैलेमिटीज आदि आदि यह अपना काम करेंगी। कल्प कल्प यह कैलेमिटीज आनी ही है और सब खंड खत्म होंगे, बाकी एक भारत रहेगा। उसके लिए तैयारी होती है, रिहर्सल होती रहेंगी। यह नेचुरल खेल बना हुआ है। तुम शिव शक्तियाँ ही कहाँ पर जाकर समझा सकती हो कि तुम सब चाहते हो शांति स्थापन हो, परंतु तुम जानते हो शांति होती कहाँ है, सुख कहाँ होता है, दुख कहाँ है। यह सब समझने की बातें हैं। अभी दुख धाम है, यही भारत सुख धाम था। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, कलयुग है दुख धाम। इनका विनाश जरूर होना है, पहले अंत होकर फिर आदि होनी है। मध्य में अनेक धर्म, सतयुग में एक धर्म था। यह ड्रामा का चक्र है, इसमें चार मुख्य धर्म हैं। एक धर्म का पाया अर्थात टांग गुम है। देवी देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन है यह बताओ। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, शिव बाबा की भी औलाद हो।
ब्रह्मा की औलाद होने के कारण आपस में भाई बहन हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। परमपिता परमात्मा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं। ब्राह्मण धर्म है चोटी और सब धर्म वाले बाद में आए हैं नंबरवार। आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है जरूर। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला, ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जागकर करना है। दूसरा, कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, बिंदु रूप में स्थित रहे उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। बिंदु रूप में स्थित रहे उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। स्पष्टीकरण है, सदा स्मृति में रखो कि हम बाबा के नैनों के सितारे हैं। नैनों के सितारे अर्थात बिंदु ही समा सकता है। आँखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है। तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत न हो, मेरे के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। आज का स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। आज अव्यक्त मास का पुरुषार्थ है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। स्पष्टीकरण है, देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो जो देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के आराम के साधनों का किसी भी बात के आधार पर जीवन न हो। तब कहेंगे लव में लवलीन स्थिति। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ। फिर से, देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो जो देह अभिमान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के आराम के साधनों का किसी भी बात के आधार पर जीवन न हो। तब कहेंगे लव में लवलीन स्थिति। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।